YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। अंबेडकर चेतना परिषद व राष्ट्रीय मूल निवासी बुद्धिजीवी संघ के तत्वावधान में अमर शहीद बौद्ध सम्राट महिषासुर व बौद्ध सम्राट बृहदत्त मौर्य उर्फ रावण का शहादत दिवस सदर प्रखंड के बैरिया गौशाला के समीप मना। मौके पर शहीदों को पुष्पांजलि और माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर वक्ताओं ने दुर्गा पूजा, दशहरा और विजयादशमी पर्व को मनाए जाने के पीछे तीन अलग अलग मायने बतलाए। कहा कि दशहरा शब्द का मतलब मौर्य वंश के दसवें सम्राट की हत्या, जबकि विजयादशमी शब्द का विवेचन अशोक विजयादशमी के रूप में किया गया। वक्ताओं ने बताया कि राक्षसों असुरों की नैतिकता और ईमानदारी के प्रमाण शास्त्रों में भरे पड़े हैं, वहीं देवताओं में अनैतिक छली का प्रमाण भी है। मौके पर गुरु द्रोणाचार्य को अनैतिक छली और एकलव्य को नैतिक ईमानदार कहा गया। जागो मूलवासी जागो कार्यक्रम के माध्यम से न्यायप्रिय बौद्ध सम्राट को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हमारा है जागो मूल निवासी कार्यक्रम जागो, इसलिए इस देश के जितने भी 90% मूल निवासी हैं और वे जागे नहीं हैं, सभी उनका हक और अधिकार जो हैं, जो विदेशी हैं वे उनका हड़प रहे हैं, इसी को जगाने के लिए वास्तव में हमारा है उद्देश्य है, जो आपको बाहर में है वह है जो लगा हुआ है अशोक विजयधम विजयादशमी सह महिषासुर शहादत दिवस। तो हमारे इस देश में जितना भी जिसको राक्षस कहा गया है, जिनको रावण भी राक्षस कहा गया है, इसके बाद आपको कंस को राक्षस कहा गया, ये सब यहाँ के मूल निवासी थे और जिनको आपको राक्षस कह कर मारा गया, रक्षक वो थे। और आप समझ लीजिए कि जो यहाँ के जो विदेशी जिनको कहते हैं, जिनको यहाँ के बाहर से जो आए हुए लोग हैं, आज भी जो विदेशी होता है उसका अपना कोई सिद्धांत नहीं होता है, इसी प्रकार से अपना देश पर राज करना चाहते हैं, उसी के तहत आज सोच लिए न न्यायालय में हमारे लोग हैं, न नौकरी में हैं और न उनके पास खेत है। तो यह सब जो है, और षड्यंत्र देखिए, जितने भी मंदिर हैं वे सब उनके हैं। आप राम रहीम देख लीजिए, जितना भी साधु हैं, जितना भी मंत हैं, वे सब उनके हैं। और हम जो चेले हैं सब ये लोग हैं, सिर्फ चेले जो हैं अपना धन उनको दे रहे हैं।